नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। क्या भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ सही चल रहा है? क्या बीजेपी के नेता सही ढंग से काम कर रहे हैं? क्या बीजेपी के जो नेता हैं उनकी आपस में बनती नहीं? ये सवाल हम नहीं, ये सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले, बिहार की राजनीति में रुचि रखने वाला हर इंसान कर रहा है। और सवाल के पीछे एक बड़ी वजह भी है। दरअसल मामला ये है कि अब बीजेपी के विधायक अपनी ही पार्टी के विधायक के परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। दरअसल एक मामला सामने आया है। इस मामले में बीजेपी के एक विधायक ने दूसरे बीजेपी विधायक के पुत्र पर ही FIR कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि दरभंगा भाजपा के विधायक ने अपनी ही पार्टी के विधायक के बेटे पर अब मुकदमा दर्ज करवाया है। भाजपा विधायक ने FIR दर्ज करवाते हुए कहा है कि उनके ऊपर सोशल मीडिया पर झूठा आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने का काम किया जा रहा। अब इस मामले में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में SDPO अमित कुमार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि भी की है। वहीं बताया जा रहा है कि मुरारी मोहन झा केवटी विधानसभा के भाजपा विधायक हैं। उन्होंने अली नगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव के पुत्र पर सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि खराब करने की बात कहकर बहादुरपुर थाना आवेदन देते हुए कहा है कि धीरेंद्र कुमार धीरज सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करके उनकी छवि खराब करने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि धीरेंद्र कुमार धीरज ने 18 मई को मेरे विरुद्ध अपने फेसबुक पेज पर एक अपमानजनक पोस्ट किया। इस पोस्ट की वजह से मेरा आत्मसम्मान को क्षति पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के इधर अली नगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने कहा कि इस संबंध में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। मुझे मालूम नहीं है जो प्राथमिकी क्या दर्ज हुई है इस संबंध में। मतलब मुरारी मोहन झा जी केवटी के विधायक हैं और केवटी हमारा जन्मस्थल है। वैचारिक टकराहट हो सकती है लेकिन केस क्या हुआ है वो हमें जानकारी नहीं है, पता करते हैं उसके बाद बताएं। वहीं सदर DSP अमित कुमार ने बताया कि केवटी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही। बहादुरपुर थाने का ये मामला है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इसमें केवटी के विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी ने एक FIR दर्ज कराया है, कंप्लेन आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनके फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट, कुछ डिफेमेटरी पोस्ट किए जा रहे हैं। कांड को दर्ज कर लिया गया है। वहीं मुरारी मोहन झा ने अली नगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव के पुत्र धीरेंद्र कुमार धीरज के द्वारा उनके खिलाफ घिनौनी साजिश करने का भी एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। तो बीजेपी के नेता आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मामला इस हद तक पहुंच गया है कि अब बीजेपी के एक विधायक दूसरे विधायक के बेटे पर अपमान करने का और अपमानजनक पोस्ट डालकर घिनौनी साजिश करने का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होती है कि इस मामले में जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका क्या कुछ जवाब देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।